आखिर कैसे कोई पुरुष महिला में बदल जाता है? जन्म से पुरुष के रूप में पैदा हुए व्यक्ति आखिर कैसे एक सर्जरी के बाद महिला बन जाते हैं? आपको इतना तो पता ही होगा कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर जी रहे हैं जहाँ कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। चलिए आज आपको इस सर्जरी के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे एक पुरुष महिला में बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जेंडर के साथ कम्फर्टेबल नहीं है तो वो उसे चेंज करा सकता है, जिसे सेक्स चेंज सर्जरी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिंग बदलवाने की सर्जरी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। सबसे पहले तो व्यक्ति को खुद को रेडी करना होता है। कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, इसमें पुरुष गुप्तांग को महिला गुप्तांग में बदल दिया जाता है। इस ऑपरेशन से पहले एक पुष्टि होनी जरूरी है, उस व्यक्ति को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है कि नहीं। सबसे पहले मरीज को हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। उस व्यक्ति को अपने शरीर में होने वाले बदलाव के लिए जिन हार्मोन्स की जरूरत है वो दवाई और इंजेक्शन से उसे दिए जाते हैं। ये पूरी थेरेपी 18 महीने तक चलती है और थेरेपी के 2-3 डोज के बाद ही असर होना शुरू हो जाता है। अपना मनचाहा हार्मोन मिलने के बाद लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, उनका मिजाज अच्छा होने लगता है और फिर 18 महीने बाद उनकी सर्जरी का नंबर आ जाता है। सर्जरी के लिए कम से कम 20 साल उम्र का होना जरूरी है। अगर वो उससे कम उम्र का है तो उसके माता पिता की हामी होना जरूरी है। उसके बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसके बाद उसकी दोनों टांगों को खोलकर ऑपरेशन करने की जगह बनाई जाती है। जैसे कि अगर कोई पुरुष है, उसके अंडाशय में बड़ा सा कट लगाकर उसके टेस्टिकल को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद लिंग के ऊपर कट लगाया जाता है और ऊपर की चमड़ी को नीचे कर दिया जाता है। उसके बाद लिंग के अंदर मौजूद 3 तरह की नसों को अलग किया जाता है, ग्लैंड जो कि पीनस के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, और यूरेस्ट्रा जहां से पेशाब करने का रास्ता होता है। फिर तीनों को अलग कर दिया जाता है। अलग करके फिर कट को काफी गहराई तक लगाया जाता है। बिल्कुल भीतर से काटने के बाद उसमें गुप्तांग के भीतर के हिस्से को छोड़ा जाता है जहाँ से पेशाब रिलीज हो सके। उसके बाद पीनिस का वो हिस्सा जिसको ढकेल कर उसे उल्टा मोड़कर आगे की तरफ लाया जाता है और पेशाब वाली नली के साथ जोड़ा जाता है। ऊपर की बनी चमड़ी में झुरी बनाई जाती है जिसमें एक छेद बनाया जाता है। उसे ऊपर के हिस्से से ऐसे जोड़ा जाता है कि वो वजाइना बन जाए। फिर वो कटे हुए टेस्टिकल की थैली को हाल ही में बनाई हुई योनी से जोड़ देते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद एक लड़के को लड़की में बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद एकाएक सब चीजें नहीं बदलती। इसके बाद भी 1 साल तक हार्मोनल थेरेपी चलती रहती है। कई बार तो लोगों को पूरी जिंदगी हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है और ऐसा खासकर तब होता है जब महिलाएं अपना जेंडर चेंज करवा के पुरुष में बदल जाती हैं। दोस्तों देखा जाए तो महिला से पुरुष बनने के मुकाबले में पुरुष से महिला बनना ज्यादा आसान है। उसको पूरी तरीके से महिला बनने में 3 साल का समय लग जाता है। शुरुआत में हार्मोनल थेरेपी चलती है, फिर उसके बाद सर्जरी होती है। ये सब इसीलिए किया जाता है कि सर्जरी करवाने वाले की बॉडी में पूरी तरीके से बदलाव आ जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।